हेलो फ्रेंड्स, मालवा रेसिपीज डॉट कॉम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स सर, आज मैं बहुत ही टेस्टी ही रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत ही अच्छी है, और कई क्षेत्र में उसे जानते हैं लेकिन उसके बाद भी उसे नहीं बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है काचरी की सूखी सब्जी। हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बहुत सारे क्षेत्र में मिलती भी है, मार्केट में भी मिलती है, लेकिन इसे जानते नहीं कि इसके फायदे क्या है और इसका टेस्ट क्या है। और ये राजस्थान में अक्सर बनाई जाती है, राजस्थान के लोग इसे बहुत ही पसंद करते हैं और ये मालवा के क्षेत्र में बहुत जगह बनाई जाती है। बहुत लोग इसे जानते हैं कि इसकी सब्जियां बनती भी है और किस तरीके से बनती है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए हम सामग्री देख लेते हैं। फ्रेंड, सामग्री में मैंने लिया है काचरी, और ये जो काचरी आप देख रहे हैं मैंने इसे काट के नहीं रखा है, मैंने इसे ऐसे ही रखा है। आप देखकर समझ जाएंगे कि किस तरीके की काचरी होती है। फ्रेंड्स, ये मैंने दो तीन प्रकार की काचरियाँ ली है। ये पकी हुई काचरी है, ये कई दिन तक रह जाती है, और इस तरीके की कच्ची काचरियाँ हैं, ये रखे रखे खराब भी हो जाती है। तो ये देखिए, इस तरीके की काचरी भी होती है, ये लाइनिंग वाली भी होती है। तो ऐसे कई प्रकार की काचरियाँ होती है। मैंने ये छोटी छोटी काचरी ली है और ये 10 ली है, और मैंने प्याज ली है मीडियम छोटी साइज की, 5 प्याज ली है। प्याज इसमें आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, आप चाहे तो 10 प्याज भी ले सकते हैं और 2 प्याज भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 ली है, ये काफी अच्छा रहेगा, इसका जो बैलेंस रहेगा। और मैंने 1 बड़ी चम्मच तेल लिया है फ्राई के लिए, 1 चम्मच नमक लिया है, और फ्राई करने के लिए मैंने आधी चम्मच छोटी वाली राई ली है, आधी चम्मच जीरा है और आमचूर पाउडर है। इसमें इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आधी चम्मच लिया है, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर है और आधी चम्मच हल्दी पाउडर है, आधी चम्मच धनिया पाउडर है। ये हो गई हमारी सामग्री। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने इसे धो लिया है, काचरियों को धोकर साफ करके रखा है, अब हम इन्हें काट लेंगे। तो ये देखेंगे, काचरी की सब्जी हम काट लेंगे। इसमें से कोई भी चीज हमें फेंकना नहीं है, नहीं हम इसे छीलेंगे और नहीं हम इनके बीज निकालेंगे। तो देखिए, ये इस तरीके से हम काटेंगे इसे। ये देखिए, मैं इसे बारीक सा काट रही हूँ, ये बारीक काटेंगे तो जल्दी से पक जाएगी। अगर आपको बीज पसंद नहीं है तो आप बीज बीज निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसे काफी अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने ये जो काचरी जो है इसको हमने इस तरीके से काट लिया है, और बाकी इसी तरीके से हम प्याज भी छोटे छोटे काट लेंगे और प्याज काट के रेडी कर लेते हैं। हमारी सब्जी पूरी तरीके से कट के रेडी हो गई है और अब हम इन्हें फ्राई की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने गैस ऑन कर लिया है, पैन को गर्म कर लेते हैं और अब हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा लगता है, सूखी सब्जी है ये। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, यहाँ पे हम राई और जीरे को डाल देंगे, प्याज को भी हम डालेंगे। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक पकाया है और ये बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं किए है जो प्याज है, इनका कलर लाइट ब्राउन है। और यहाँ पे अब हम हमारी जो कचरी है इन्हें डाल देंगे, थोड़ा सा इसे मिक्स कर देंगे। और ये जो हमारे मसाले हैं, ये सारे मसाले हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हमारी जो कचरी है पकेगी तो इसके अंदर तक इनका फ्लेवर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सारे सामग्री डाल देंगे, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर, नमक, हम सारी चीजें इसमें यहीं पर ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे धीमी आंच में ही पकने देंगे, कम चाल में, ताकि ये अच्छे से पके और जले भी ना। बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए। इसे 10 से 12 मिनट पकने में लगेंगे, 15 मिनट भी लग सकते हैं, हमारी कचरी किस टाइप की है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम इसे अच्छे से पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे पका लिया है और ढक के पकाया है इस तरीके से।
ये ढककर पकाएंगे तो जल्दी से पक जाएगी और अच्छे से पक जाएगी। तो अभी हमारी जो सब्जी है ये काफी अच्छे से पक चुकी है। मैंने इसे बीच बीच में चला भी दिया था और देखिए काफी अच्छा इसका कलर हो गया है और ये पकने के बाद काफी कम भी हो गई है, ये देखिए। और इसका कलर काफी अच्छा आया है। इस तरीके से पकने के बाद ये इस तरीके से दिखती है जो हमारी सब्जी है। और यहाँ पे गैस को हम बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने का इंतजार करते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी कचरी की सब्जी बन के रेडी हो गई है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसका टेस्ट भी काफी अच्छा होता है। कचरी जो होती है इसका टेस्ट थोड़ा कभी कभी कड़वा भी होता है, कभी खट्टा भी होता है, तो ये काफी अच्छा फ्लेवर देती है और थोड़ा सा अलग अलग फ्लेवर की होती है। तो आप चाहें तो सारी मिक्स करके ले लें और ये जो सब्जी है इसके साथ हम गेहूं की रोटी खा सकते हैं, मक्का की रोटी खा सकते हैं। मक्का की रोटी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपने हमारी मक्का की रोटी नहीं देखी है तो ऊपर आप कार्ड में देख सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है उसके साथ। और फ्रेंड्स ये काफी अच्छा सीजन चल रहा है कचरियों का, तो एक बार आप जरूर बना कर देखें, ट्राई करके आप जरूर देखें और आप कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी है। लाइक और शेयर कर दें, काफी अच्छी रेसिपी है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को सीखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपीज के साथ। हैप्पी कुकिंग।